गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं जरी रिएक्शन। सो गाइस आज हम रिएक्शन करेंगे बिंदास काव्या स्टिल हैकिंग, बिंदास काव्या वर्सेस पबजी एक्सप्रेशन क्वीन चैन न प्लेयर। सो गाइस इनके एक वीडियो रोस्ट है, उस वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे। सो गाइस पहले वीडियो देखेंगे क्योंकि मैं इनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, उसके बाद फिर बात करेंगे। सो हियर वी गो। तो यार अगर तुम लोगों ने बिंदास काव्या का ये वाला वीडियो देखा तो मुझे पता है कि तुम लोग के रिएक्शन भी कुछ ऐसे होंगे। ये तो झटकी है। तो यार अब तरह तरह के लोग हैं तो तरह तरह के रिएक्शन भी तो होने चाहिए ना, तो कुछ लोग का रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। नहीं, तुम लोग को याद होगा आज से कुछ टाइम पहले जब इस बंदी ने डायनमो और श्राउड को कंपेयर किया था। डायनमो और श्राउड को कंपेयर मत करो, क्या पता श्राउड पट से हेडशॉट का शिकार हो जाए। और जब इसके बाद लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया, मतलब इसको समझाया कि तू पबजी मोबाइल प्लेयर को एक पबजी पीसी प्लेयर से कैसे कंपेयर कर सकती है, फिर उसके बाद इसने सॉरी मांग ली, लेकिन वहाँ मैटर खत्म हो जाता है। मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर अचानक इसने अभी 5 दिन पहले एक वीडियो डाली जहाँ पे इसने चैन नाओ के साथ कंपेयर किया है अपने आप को। अब तुम खुद सोचो, ये फिर वो एक एमुलेटर टट्टी मोबाइल टट्टी एमुलेटर प्लेयर, ठीक है, और उससे कंपेयर कर रही है जो एक पबजी पीसी गेम खेल रही है। तो अब इसका क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या रोस्ट किया जाए? मुझे पता है तुम में से बहुत से लोग चाहते हो रोस्ट करो, इसलिए तो आए वीडियो देखने। तो चलो यार बकचोदी का तड़का मार के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसको ये सब करने की जरूरत पड़ी क्या, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक बार ओरिजिनल वीडियो, ठीक है। भाई अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई भी लौंडा अगर पिघला नहीं ना भाई, तो एक बार जाके तुम चेकअप करा लो, वरना कल को तुम्हारी मम्मी कुछ ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगी। माई बेटा इस तो भाई हो क्या रहा था, YouTube पे ज्यादातर लौंडे चैन नाव पे फिदा हो रहे थे। अब इसकी पॉपुलरिटी हो जा रही थी कम बिंदास काव्या की, तो इनने सोचा कि मुझे फिर से कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं हाईलाइट में आ जाऊं। लो भाई अब तुम फिर से हाईलाइट में आने वाली हो। कहां पर है? हां दिखी दिखी उसकी गन दिखी। हां हां अब तो दिखेगी, गन तो क्या पूरा बंदा दिख रहा होगा तुम्हें, ESP हैक जो लगा रखा है, साथ साथ में एमबॉट भी लगा हुआ। जरा ये क्लिप देखो, देख रहे हो ना गोली कैसे स्विंग होके जा रही है, सीधे बॉडी पे लग रही है। और जब ये एम बोट नहीं लगाती ना तो इसका गेम प्ले कुछ ऐसा होता है। सही है भाई। और तुम्हें से बहुत से लोगों को पता होगा कि ये हैक करती थी, करती है और करती ही रहेगी भाई। मैंने इस पे वीडियो बनाया था इसके हैक के बारे में, इसको एक्सपोज किया था पूरा। तो यार इसने वो वीडियो हटवा दी और मेरे को मैसेज करके बोलती कि मेरा कंटेंट गेमिंग नहीं है, मेरा मेन कंटेंट ही मेरा मेन चैनल है, ठीक है, और सीरियस विलन में जाने की बात करी थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं हटा दूंगा। फिर मैंने इससे पूछा कि मतलब ये सब करते ही क्यों, मतलब ठीक है। तो ये बोलती है कि मेरा 1 लाख का कैमरा है, 5 लोन है बजाज फाइनेंस के। अबे तो लोन है तो ये मतलब क्या यूट्यूब पे कुछ भी करोगे, पबजी एमुलेटर को पबजी पीसी से कंपेयर कर दोगे? नहीं यार इतना महंगा लोन लेते क्यों जब उसे चुका ही नहीं पाते। नहीं यार यूट्यूब पे तो छोड़ी दो, यूट्यूब पे तो इसने गन मचाई, टिकटॉक पे भी इसने कॉपी करना शुरू कर दिया भाई। एक दिन पहले कोरोना वायरस के ऊपर छोटे मियां ने एक वीडियो निकाला। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? वो थाली बजानी थी ना, तो कौन सा तीर मारा, ठीक है। अब ये वीडियो तुम देख लो, इसके बाद इसका एक वीडियो देखो जो इसने सेम वीडियो निकाला है। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, कतई कॉपी कर दिया यार, मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं, ठीक है, तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन तुम लोग देख लेना, थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग देख लेना, बिल्कुल डिट्टो छाप दिया यार। पता नहीं क्यों YouTube पे यार, जब हर एक चीज की कॉपी करके ही डालना है तो हो क्यों यार YouTube पे। तुम कहने को तुम्हें सीरियल में जाना है, तुम्हें एक्टर बनना है, और सबसे बेकार चीज पता मुझे क्या लगती है कि मैनुपलेट बहुत ज्यादा करते, वो भी ऐसी ऐसी बातों पे। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो निकाला था, उसमें भाई शिवाजी के नाम पे भाई व्यूज बटोर रहे थे, सिंपति गेन कर रहे थे शिवाजी के नाम पे। उसके बाद यंगेस्ट गर्ल ऑन पबजी मोबाइल, इस नाम पे भाई ऑडियंस गेन कर रहे हो। अब तुम ये चैन नाव के संग कंपेयर करके वीडियो डाल लो,
यहाँ पे तुम कंपेयर कर रहे हो अपने आप को उससे, और ये कमेंट कर रहे हो कि मैं इंडियन से हूँ मुझे कोई नहीं करेगा। मतलब इतना रोना क्यों भाई, इतना रोना क्यों, किस बात से डेस्परेट हो, किस चीज सब लॉन्डो का चूतिया काटना है क्या भाई, ये ना सुधरती कभी। खैर इन सब बातों को साइड में करते हैं, कोरोना वाली वीडियो से याद आया, देखो भाई गवर्नमेंट की बात मानो, ठीक है, अपने अपने घरों में रहो, सेफ रहो, दूर रहो, और भाई घर में हो तो यार वीडियो देखो, वीडियो बनाओ, नई नई मूवी देख लो, कुछ भी करो, लेकिन घर में रहो यार। अभी क्या फायदा यार किसी एक को, फिर उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को हो जाए, अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुम सब सेफ हो गए अपने घरों में, और वीडियो देख रहे होगे मेरी, तो यार वीडियो को शेयर भी कर देना ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो। चलो फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। सो गाइस वीडियो अच्छी थी, रोस्ट बहुत बढ़िया था और बहुत ही सही बताया, मैंने भी सुना है इनके बारे में, बिंदास काव्य के बारे में, कि बहुत ही बड़ी हैकर है, बहुत ज़्यादा हैक करती है अपने गेम को, ऑनलाइन खेलते टाइम की अपनी पिक्चर को साइड में लगा देती है वो, फिर थोड़ा मगर अगर सही साथ खेलती तो हटा भी देती है, ऐसा मैंने सुना भी और मैंने देखा भी वीडियो में। सो गाइस भाई ने जो रोस्ट करा वो बिल्कुल बहुत सही करा और बहुत सही चीज़ें बताई है। सो गाइस मुझे वीडियो बहुत पसंद आई और होप आपको भी बहुत पसंद आएगी, तो जाके भाई की वीडियो देखना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, और साथ ही साथ हमारी वीडियो भी देखना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।